अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? अच्छा यार, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने लिस्ट व्यू के कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था, लिस्ट व्यू डॉट कस्टम कंस्ट्रक्टर के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है स्क्रॉल कंट्रोलर के बारे में। स्क्रॉल कंट्रोलर का पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्क्रॉल कंट्रोलर क्या है? स्क्रॉल कंट्रोलर आपके स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करता है लिस्ट व्यू के अंदर। लिस्ट व्यू हो गया, सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू हो गया, कस्टम स्क्रॉल व्यू हो गया, किसी के अंदर भी स्क्रॉल कंट्रोलर आपकी स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करता है। मतलब आप इसके, मैं चार पांच मेन यूजेस बताता हूँ आपको इस वीडियो में, आपको समझ आ जाएगी इसका यूज़ क्या है। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास प्रोजेक्ट में क्या है, मेन मेथड है, मेन मेथड में रन ऐप है। रन ऐप के अंदर हमारे पास पास ये एक मैंने अपना विगेट बनाया, उस कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया एज यूजल जो करते हैं हम। उसके बाद हमारा विगेट की क्लास है ये। इसके बिल्ड के मेथड में मटेरियल ऐप ले लिया हमने जो रिटर्न हो रहा है, और उसके अंदर स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर एज यूजुअल ऐप बार, फिर उसका ऐप बार का टाइटल, यहाँ पे टाइटल चेंज करना रह गया लास्ट वीडियो वाला, तो इसको कह देते हैं हम। और विगेट का नाम भी चेंज करना रह गया। अगर आपने जल्दी से नेम चेंज करना है, F2 दबा के रीनेम हो जाता है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ स्क्रॉल कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है, सारी जगह चेंज हो गया, नेम रीनेम हो गया स्क्रॉल कंट्रोलर। और यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं, इधर टॉपिक का नेम क्या है हमारा, स्क्रॉल कंट्रोलर। ओके, हो गया, टाइटल हमारा स्क्रॉल कंट्रोलर है। इसके अंदर मैंने बॉडी में लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगाया। आप यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं कंट्रोलर समझने के लिए, यूज करने के लिए, क्योंकि हर हर एक लिस्ट व्यू में कंट्रोलर की प्रॉपर्टी है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मैंने यूज कर लिया। अगर आपको ये कोड समझ नहीं आ रही तो मेरी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में मैंने लिंक दे दिया उसका, आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। वैसे तो सारे वीडियोस, आप सारे लिस्ट व्यू की कंस्ट्रक्टर के सारे वीडियोस देखें, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी इसकी। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की मैंने यहाँ पे कोड कर दिया है, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया है। यहाँ पे आइटम बिल्डर में हमने अपना विगेट कॉल कर दिया है, जो है बिल्ड लिस्ट आइटम और इंडेक्स पास कर दिया। ये चीज़ सारा कुछ मैंने कोड उसमें समझाया हुआ है हमारी उस वीडियो में, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की वीडियो में। तो यहाँ पे हमने अपना विगेट बना दिया जो रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे इंडेक्स पास हो रहा है। इसमें कंटेनर लगा हुआ है, हाइट है कंटेनर की, मार्जिन है, बॉटम पे मार्जिन दी हुई है मैंने, और कलर पर्पल रखा हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर चाइल्ड में टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं अभी अपनी ऐप को रन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि हमारी ऐप किस तरह लग रही है। अभी अभी हमारी ऐप, मैंने इसको ना क्रोम पे रन किया हुआ है, गूगल क्रोम पे, तो हमारी ऐप अभी इस तरह की लग रही है, ठीक है। और ये अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग है क्योंकि मैंने यहाँ पर आइटम काउंट डिफाइन नहीं किया, आइटम काउंट 50। अब मैं आइटम काउंट डिफाइन कर देंगे, फिर मैं इस लिस्ट में 50 आइटम शो कराना चाहता हूँ। मैंने आइटम काउंट काउंट डिफाइन कर दिया है, और ऐप को यहाँ पे रिस्पोर्ट रिस्टार्ट किया है, और यहाँ पर हमारे पास अब 50 आइटम्स हैं, 0 0 to 49, मतलब 50 आइटम्स हैं, ठीक है। अब हमारे कंट्रोलर को हम देखते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले मैं कंट्रोलर बनाता हूँ यहाँ पे आके, स्क्रॉल कंट्रोलर का इंस्टेंस बनाते हैं। कंट्रोलर इक्वल टू स्क्रॉल कंट्रोलर, और ये हमारा स्क्रॉल कंट्रोलर का इंस्टेंस बना दिया हमने। यहाँ पर ये कह रहा है इसे फाइनल बनाओ, और इसे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है ना हमारा, ये कॉन्स्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, कॉन्स्ट खत्म करना पड़ेगा हमें। यहाँ से भी कॉन्स्ट खत्म कर देते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, ये तो हम वैसे ज्यादातर से करते नहीं होते। अच्छा, हमारा कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इस कंट्रोलर को, कोई ऑब्जेक्ट को इसके हमारे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के साथ एसोसिएट कर देते हैं, कंट्रोलर अंडरस्कोर कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा यार, यहाँ पर ये एरर आ रहा है, इस पे मैंने खुआरी काटी है 5-10 मिनट, फिर जाके मुझे समझ आया एरर क्यों आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो स्क्रॉल कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया है, हमारी क्लास का नेम भी स्क्रॉल कंट्रोलर है, ये इसी हमारी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर। हालांकि हमें स्क्रॉल कंट्रोलर जो हमारी API में है, जो ऑपरेटर के SDK में है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऐसा करता हूँ, इसका सोल्यूशन ये है कि हम अपनी क्लास का नेम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, F2 दबा के, स्क्रॉल कंट्रोलर विगिट। ओके, हो गया, देखिए यहाँ पे हम चेंज हो गया हमारे क्लास का नेम। अब यहाँ पे हम वही स्कोर कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमारे पास फ्लटर के SDK में है। अब ये ठीक है, और ये हमारा एरर भी चला गया।
ठीक है, अभी तक हमने क्या किया कि सिर्फ हमारे एक स्क्रॉल कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस स्क्रॉल कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट को हमारे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके यूजेस। यहाँ पे एंड पे मैंने यूजेस लिखे हुए हैं, एक दो यूजेस जो बता देता हूँ। पहले हम देखते हैं मूव बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। जो कंट्रोलर है हम मदद करता है हमें कि हम एलिमेंट्स के दरमियान में मूव कर सकें लिस्ट में। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं। ऐसा करता हूँ कि हमारे पास जो स्कैफोल्ड है, अब हम क्या करने लगे हैं, एक मिनट, दोबारा इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते हैं और ऐप को रिस्टार्ट। हमें यहाँ पर ना बॉटम फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाते हैं बॉटम पे, जिससे हम इस अगर हम यहाँ पे दो लगाएंगे बटन, एक पे क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट, ये हमारा स्क्रॉल कंट्रोलर हमें बॉटम पे ले आएगा, दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें टॉप पे ले आएगा। तो स्कैफोल्ड के अंदर जाते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन, यहाँ पे मेथड कॉल कर लेता हूँ बिल्ड FAO, बिल्ड फ्लोटिंग एक्शन बटन एस कंट्रोल डॉट क्रिएट मेथड। ठीक है, यहाँ पर आए और यहाँ से रिटर्न कर दिया हमने रो इसलिए रिटर्न करने था क्योंकि हमने मल्टीपल फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाने हैं। इसलिए चिल्ड्रन क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस, आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दें यहाँ से। अच्छा जी, कंट्रोल डी, यहाँ पे आइकन लगाते हैं इसमें, हाँ सॉरी चाइल्ड आइकन लगाते हैं, आइकन्स डॉट मूव एरो अपवर्ड, ये आ गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे पैकेट मिस हो गई है। ओके, और दूसरा यहाँ पे ऐसे कॉपी करते हैं आइकन को, यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं कॉमा लगा के, और यहाँ पे एरो डाउनवर्ड। ठीक है, कंट्रोल एस दबाया और देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। अरे ऐप रिस्टार्ट हुई है और हमें यहाँ पर दो बटन नजर आ रहे हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो यहाँ पे रो की जो अलाइनमेंट है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब दो बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा कि तो हमारी स्क्रॉल कंट्रोलर हमारी इस लिस्ट में हमें टॉप पे ले आएगा अगर हम कहीं पे नीचे होंगे, और अगर हम टॉप पर हैं तो, और हम चाह रहे हैं कि हम बॉटम पे जाए जाए, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल कंट्रोलर हमें नीचे ले आएगा। ठीक हो गया, अब इस पे काम करते हैं। यहाँ पर हमने इसके बटन पे क्लिक, कौन सा है ये, अपर पे, इसके यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ ताकि फॉर्मेट हो जाए। अब काम करते हैं इसके मेथड में, इस कॉल बैक में, ऑन प्रेस के कॉल बैक में। अच्छा, अब हमने टॉप पे अपवर्ड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पोजीशन, डबल पोजीशन इक्वल टू टॉप पे जो आपकी पोजीशन होगी वो जीरो जीरो होगी। ठीक है, फुल टॉप पे पिक्सल की पोजीशन जीरो होती है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर इस कंट्रोलर को, हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर डॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे इसे पोजीशन डॉट मूव टू या जंप टू, सॉरी सबसे पहले कर लेते हैं जंप टू, मूव टू में बताता हूँ आपको क्या उसका यूज क्या है। पहले करते हैं जंप टू, यहाँ पर वैल्यू पोजीशन दे दी हमने। ठीक है, हमने क्या किया, कंट्रोलर डॉट पोजीशन, कंट्रोलर को कहा है कि हमें ले चले इस पोजीशन पर, पोजीशन क्या है 0.0, अगर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोलर हमें टॉप पर ले जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर ये जो पोजीशन है 0.0, उससे कंट्रोलर से भी ले सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। उसके लिए मैं पहले इसमें इस तरह एंड इस पे क्लिक कोड करते हैं ताकि आपको ऊपर वाला भी समझ आ जाएगा, या अगर हमने कंट्रोलर से पोजीशन लेनी है तो डबल एंड पोजीशन, पोजीशन इक्वल टू, इसको मैं स्टार्ट पोजीशन कह देता हूँ, F2 दबाया रीनेम कर देते हैं स्टार्ट पोजीशन। ठीक
ठीक है, प्री एंड पोजीशन इक्वल टू, अब हमें नहीं पता कि हमारी एंड पोजीशन कौन सी है इस हमारी जो लिस्ट है, जो हमारी लिस्ट है हमारी, हमें नहीं पता कि हमारी एंड पोजीशन क्या है, यहाँ पर क्या पिक्सल की वैल्यू बन रही है। तो ये कंट्रोलर को पता होता है, कंट्रोलर हमने क्या, कंट्रोलर डॉट पोजीशन डॉट मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंट, हमने कहा कंट्रोलर्स को कहा पोजीशन दो किसकी, मैक्सिमम स्क्रॉल एक्सटेंट की, कि जहां तक हमने हमारी हमारी मैक्सिमम स्क्रॉलिंग होनी है उसकी पोजीशन दे दो, तो वो हमारी एंड पोजीशन होगी। अब हम वही मेथड दोबारा कॉल कर देते हैं जो ऊपर किया था हमने स्टार्टिंग के लिए, कंट्रोलर डॉट पोजीशन डॉट जंप टू, और यहाँ पे एंड पोजीशन कर दिया हमने, ओके हो गया। इसी के साथ हमारा ये टेक टू बॉटम स्कोर, या मतलब कि क्लिक करें तो बॉटम पे ले जाए और क्लिक करें तो टॉप पे ले जाए, उसका कोड हो गया। अब सेव करते हैं इसको, और यहाँ पर अब देखें हमारे पास बटन पे क्लिक, फिलहाल टॉप पे हैं हम इस बटन पे क्लिक करते हैं जो बॉटम पे लेके जाएगा, क्लिक किया हम बॉटम पे आ गए, देखें 49 आइटम आ गया। अब दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ टॉप पे ले जाएगा, अब हम 0 टॉप पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जंप होके हम डायरेक्ट उसी इंडेक्स पे आ जाते हैं, उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। और ये अगर हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ अचीव हो किसी एनिमेशन के साथ, मतलब कि स्क्रॉलिंग हो ऐसा सा एनिमेशन और हमें खुद ब खुद बॉटम पे ले आए वो, तो हम यहाँ पर ये जंप डू के मेथड के बजाय हम दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट पोजिशन डॉट एनिमेट टू, एनिमेट टू, ठीक है। जाना कहाँ पर है इसमें, यहाँ पर हमने एंड पोजिशन पर, पहले एंड पोजिशन बताना है, यहाँ पे माउस होवर करते हैं आपको पता लग जाएगा कि आप पैरामीटर क्या रिक्वायर्ड है, डबल और टू कहाँ पर जाना है, उसके बाद ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन पे जाना है, और कर्व कौन सी एनिमेशन के साथ जाना है। यहाँ पे ड्यूरेशन कहता हूँ, ड्यूरेशन ड्यूरेशन सेकंड कह देता हूँ मैं, 2 सेकंड में हमें हमने पहुंचना है यहाँ पे। और यहाँ पर हम कहते हैं कर्व कौन सी लेनी है, ओहो कर्व कर्व्स डॉट एनिमेशन मतलब कौन सी यूज करनी है, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कोई भी, यहाँ पे यूज कर ले, मैं यहाँ पे ये वाली यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, कंट्रोलर डॉट पोजीशन और एनिमेट टू, हमने कहा कि कंट्रोलर हमें ले चलो इस पोजीशन पे इस ड्यूरेशन में और इस एनिमेशन के साथ, ठीक है। इसी कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो पहले बटन पे किया था, इस जगह पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे एंड पोजीशन के बजाय हम कहते हैं स्टार्ट पोजीशन, और कंट्रोल एस दबा के हमने ऐप रिस्टार्ट की। अब आप देखिएगा कि जो हमारी एनिमेशन हो हमें नजर आएगी, और इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग हो रही है, 2 सेकंड में हमारा बॉटम पे आया एनिमेशन के साथ, इसी तरह टॉप पे गया एनिमेशन के साथ। तो ये हमारे स्क्रॉल कंट्रोलर का एक यूज है कि आप हम मूव टू बॉटम या मूव टू टॉप जा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे वाले यूज को, इफ द लिस्ट रीच्ड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्क्रॉल, हमने ये डिटेक्ट करना है कि हमारी जो है स्क्रॉलिंग वो टॉप पे पहुंच गई है, मतलब हमने अब इससे ज्यादा स्क्रॉल नहीं कर सकते, टॉप पर पहुंच गए हैं, या पे अगर हम स्क्रॉल करते बॉटम पे पहुंच गए हैं, फुल बॉटम पे इससे ज्यादा स्क्रॉल नहीं कर सकते, तो हमने ये चीज डिटेक्ट करनी है, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा इस कोड में चेंज करते हैं हम, जहां पर हमारी लगी हुई है लिस्ट, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो लगा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, इसको सॉरी मैं कर देता हूँ रैप, कंट्रोल डॉट दबा के रैप कर देते हैं हम, इसे रैप करते हैं कॉलम में, ठीक है। और अब इस लिस्ट व्यू डॉट इसके ऊपर मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक दोबारा वही कॉलम लगा देता हूँ, कॉलम सॉरी इसके ऊपर मैं लगाता हूँ कंटेनर, कंटेनर लिखता हूँ हाइट 100, कलर रख लेते हैं हम उसका कलर्स डॉट ग्रीन, और इसको हम कर देते हैं अलाइनमेंट, अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। और इसके अंदर ले लेते हैं चाइल्ड टेक्स्ट का, और टेक्स्ट के अंदर हम एक टेक्स्ट का वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे
ठीक है, इतना फिलहाल का कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं फॉर्मेट। क्या यार इतना ज्यादा स्क्रॉल, ये फॉर्मेट हो गया। हमने क्या किया, एक कॉलम लिया है, कॉलम के अंदर उसके चिल्ड्रन विकेट के पहला हमने विकेट ले लिया कंटेनर, उसके बाद हमारी लिस्ट व्यू है। अब इस लिस्ट व्यू को हमने, अगर हम इसे इसमें इसको रैप कर देते हैं उसके साथ एक्सपेंडेड के साथ, अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आपका ये ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडेड से हमने इसको रैप कर दिया है। अब हमारे पास दो विकेट है, कंटेनर है और एक एक्सपेंडेड है। इस कंटेनर के टेक्स्ट पे हम शो करवाएंगे कि हम टॉप पर पहुंच गए हैं या बॉटम पर पहुंच गए हैं, ये टेक्स्ट डायनेमिकली चेंज होगा। ठीक है, ओके हो गया, इसको हम कर देते हैं, इसका स्टाइल लेते हैं। मैंने यहाँ पे ना इसका शॉर्ट स्निपेट बनाई हुई है TXTS टेक्स्ट स्टाइल के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए हमने स्टाइल दे दिया इसको। ठीक है, और ऊपर आता हूँ, ये वेरिएबल बना लेता हूँ टेक्स्ट का, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, फिलहाल कर देते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल। ओके, ये हमारा अभी हमने किया है कंट्रोल एस करके, हमारी ऐप को एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या अभी शो हो रहा है। अभी अभी हमें ये शो हो रहा है। अब हम अगर हम इसमें स्क्रॉल करके बॉटम पर आएंगे 49 पोजीशन पे, और इससे अगर मजीद स्क्रॉल नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि बॉटम रीच्ड। इस तरह अगर हम स्क्रॉल करके टॉप पर आएंगे और इससे मजीद स्क्रॉल ऊपर नहीं हो सकेगा तो यहाँ पर लिखा आएगा कि टॉप रीच्ड। क्या हो गया, इस चीज को अचीव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है जो हमारे, अब इसमें इससे पहले मैं स्टेटलेस विकेट को स्टेटफुल विकेट में वो कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमने रन टाइम पे इस टेक्स्ट को चेंज करना ना, इसलिए हमें स्टेट स्टेट रिक्वायर्ड है। कंट्रोल डॉट दबा के हम यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्ट टू स्टेटफुल विकेट, तो हमारा विकेट स्टेटफुल विकेट बन गया। अब हमारे स्टेटफुल विकेट की स्टेट के कुछ लाइफ साइकिल के मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक इनिट स्टेट का मेथड है ये वाला। यहाँ पर मैं अपने कंट्रोलर के साथ, हमारा जो कंट्रोलर है उसके साथ मैं लिसनर्स अटैच करने लगा हूँ, जो सुनेगा, जो ये लिसन करेगा कि हम टॉप पे रीच पहुंच गए या बॉटम पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट अटैच लिसनर, और यहाँ पे मैं इसको मेथड बना लेते हैं बाहर हम, सॉरी यहाँ पे कह देता हूँ कंट्रोल, क्या नाम दूँ उसको, कंट्रोल लिसनर, कंट्रोलर लिसनर, लिसनर ठीक है। इस मेथड को हम बना लेते हैं क्रिएट मेथड, ओके हो गया, रिटर्न करना हमने वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ओके। अब यहाँ पर हम कोड करेंगे जो हमारे, जो हम अटैच करना चाह रहे हैं लिसनर के साथ। इस लिसनर में, लिसनर हमारा ये है, इसके अंदर हमें कोड करना है, सॉरी हमने मेथड कॉल कर दिया, मेथड कॉल नहीं करना, हमने मेथड एज अ कॉल बैक पास करना है जो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब हम इस पे क्लिक करते हैं, इस मेथड पे आ जाते हैं, यहाँ पे अपना कोड करते हैं जो डिटेक्ट करेगा कि हम टॉप पे रीच हो गए हैं कि बॉटम पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं इफ, अगर, आजा भाई, इफ अगर हमारा कंट्रोलर डॉट पोजीशन, उसकी पोजीशन एट एज, मतलब किसी एज, किसी कोने पे पहुंच गई है या टॉप पे पहुंच गई है, बॉटम पे पहुंच गई है, तभी ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये कंट्रोलर की पोजीशन अगर किसी एज पे पहुंच गई है या टॉप पर रीच हो गई है, बॉटम पे रीच हो गई है, ठीक है, तभी ये मेथड एग्जीक्यूट होगा इफ के अंदर, तभी ये जो कोड है एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे अब देखना, चेक करना कि या बॉटम पे या टॉप पे पहुंच गई, अब ये चेक करना कि बॉटम पे पहुंची है कि टॉप पे पहुंची है, तो हम उसी के साथ टेक्स्ट को डायनेमिकली चेंज कर देंगे। यहाँ पे कहते हैं बूलियन इज टॉप रीच, ठीक है, यहाँ पे करते हैं कंट्रोलर से पोजीशन ले लेते हैं कि टॉप पे रीच हुई है कि बॉटम पे, डॉट ऑफसेट
स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो, कंट्रोलर की जो ऑफसेट है। अब ये ऑफसेट क्या चीज है? ऑफसेट ये है कि आपकी ये, इसमें अगर मैं आऊं हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पर हमारी जो लिस्ट व्यू के ऑफसेट है वो 0.0 से स्टार्ट होता है और इसी तरह जिस तरह पिक्सल बाय पिक्सल बढ़ती रहती है आपकी ऑफसेट। अगर आप स्क्रॉल ऊपर करोगे तो आपकी ऑफसेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और टॉप पे अगर आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएंगे तो आपकी ऑफसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, हमने क्या कहा? अगर कंट्रोलर डॉट ऑफसेट की वैल्यू 0 से संभाले या 0 हो जाए तो इसका मतलब यह है कि हम टॉप पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, कह देते हैं हम इज टॉप रीच, मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट कॉल कर देता हूँ, सेट स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर हम कह देते हैं अगर टॉप रीच हो गया इसका मतलब कि तो हमें टेक्स्ट की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है इससे, टॉप रीच से। ठीक है, नहीं तो क्या करना है, सिर्फ कॉपी करता हूँ कोड को यहाँ से। नहीं तो कह देना बॉटम रीच, सेट स्टेट का एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे कोलन लगाना है क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या कहा था, अगर आपकी कंट्रोलर की, अगर हमारी स्क्रॉल पोजीशन की उसकी लिस्ट व्यू की पोजीशन किसी एज पे पहुंच जाए, मतलब स्क्रॉलिंग पोजीशन किसी एज पे पहुंच जाए, अभी फिलहाल टॉप पर है या किसी या बॉटम पर आ जाए, तब ये हमारा इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा हमारा कौन सा एज है, बॉटम एज है कि टॉप एज है, तो यहाँ पर हमने क्या यहाँ पे चेक कर लिया है, इज टॉप रीच, अगर टॉप रीच है तो हमारी ऑफसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी या 0 से कम हो जाएगी, वैसे 0 0 ही होगी। अब कंडीशन में ये भी लगा दिया, मे बी इन केस अगर लेस देन 0 भी हो जाए तो भी, इसका मतलब कि हमारी टॉप पोजीशन है, तो हमने कहा अगर टॉप पोजीशन है तो सेट स्टेट कॉल करो और टेक्स्ट की वैल्यू कर दो टॉप रीच, अगर नहीं तो सेट स्टेट कॉल करो टेक्स्ट की वैल्यू कर दो बॉटम रीच। ओके हो गया, तो अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इसको कंट्रोल एस दबा के सेव किया, और यहाँ पर फिलहाल इनिशियल लिखा है, अगर हम नीचे आते हैं फुल बॉटम पे तो यहाँ पे लिखा गया बॉटम रीच, इस तरह अगर वापस जाते हैं तो यहाँ पे लिखा गया टॉप रीच। ठीक है, तो इसी के साथ हमने दूसरा यूज भी देख लिया इसका, इसके साथ इसके अलावा और भी काफी यूजेस हैं हमारे पास स्क्रॉल कंट्रोलर के, उसकी वीडियो हम बाद में कभी ना कभी बनाएंगे, अभी तक इसके कॉमन यूजेस यही हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, तो अगर आपको कुछ भी समझ आया है इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।